महाकाल लोक के समीप बने त्रिवेणी संग्रहालय में जल्दी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक विशाल शिवलिंग के दर्शन होंगे। लगभग 1500 से ज्यादा छोटे छोटे शिवलिंग को मिलाकर 21 फीट ऊंचा यह शिवलिंग है। इसको अभी तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा बनवाए जा रहे इस शिवलिंग का भोपाल के कलाकारों द्वारा पूर्ण रूप दिया जा रहा है। त्रिवेणी संग्रहालय के आदित्य चौरसिया ने भी बताया, शिल्प के माध्यम से इस विशाल शिवलिंग को तैयार किया जा रहा है। इसमें 1500 से ज्यादा शिवलिंग है। इस विशाल शिवलिंग में लगाए गए प्रत्येक शिवलिंग पर नाम देवता भी बनाए गए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरह ही इसे दक्षिण मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया है। पूरी तरह तैयार होने के बाद हरी फाटक ब्रिज के ऊपर से भी यह शिवलिंग का देख सकते हैं। इसे पूरा तैयार होने के बाद आसपास आकर्षण विद्युत साज सज्जा भी की जाएगी। इसी माह इसका कार्य पूरा होने की संभावना है, जिसके बाद नए वर्ष में यह आम लोगों के लिए पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा और त्रिवेणी संग्रहालय की शोभा बढ़ाएगा। यहाँ प्रत्येक शिवलिंग पर नाग महाराज विराजमान है। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के माध्यम से इस कार्य को किया जा रहा है, जो कि त्रिवेणी संग्रहालय के परिसर में हम देख रहे हैं। तो छोटे छोटे 1500 से अधिक शिवलिंग जो कि लोहे के माध्यम से बनाए गए हैं, उनसे मिलकर एक बड़ा विशाल शिवलिंग वहाँ पर निर्मित किया गया है, जो कि जिस तरह से महाकालेश्वर जी की मूर्ति है उसी प्रकार से वो भी दक्षिण मुखी है और ऊपर की तरफ की जलाधारी है। तो अभी उसमें थोड़ा सा काम जो है पूर्ण रूप लेने में, आप कुछ समय बाद आएंगे तो वो पूर्ण रूप ले लेंगे। अभी रंग रोगन उसमें कुछ होना है बाकी, और कुछ शिव जी से संबंधित जो प्रतीक स्वरूप उनके सिम्बॉल हैं उनको भी हम नवाचार की दृष्टि से जो भी संभव हो पाएगा वो यहाँ पर होगा। कहाँ के कारीगर? भोपाल के कुछ कलाकार हैं सर, उनके माध्यम से इस शिवलिंग को बनाया गया है, जो कि इसका माध्यम है लोहा। लोहे से ये पूरा शिवलिंग जो है निर्मित किया गया है। टोटल कितने? 1500 से अधिक सर एक शिवलिंगों को मिलाकर एक बड़ा शिवलिंग बनाया गया है। आप देखेंगे कि हर शिवलिंग पर नागाकृति जो है नाग देवता को वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है।